गांव में प्रेमचंद्र नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने 2 बीघा जमीन में खरबूजे और सब्जियों की खेती करता था। देखो सीमा, पिछली बार मौसम की मार ने फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार आसार अच्छे नजर आ रहे हैं। हमारी सब्जियां और खरबूजे अपना रंग दिखाएंगे, मंडी में यह सब हाथों हाथ बिक जाएंगे। अरे पौधों को जरा बड़ा होने दे, अभी से सपना सजाने लगी। दोनों प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने खेत के नन्हे नन्हे पौधों को बड़ी हसरत से देखते थे। उनके खेत और उनकी फसल यही उनकी दुनिया थी। एक दिन सीमा सवेरे जैसे ही उठी, खेत के पास गई, वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसके खेत के लगभग सभी पौधे तहस नहस हो चुके थे। एक सांड किनारे पर बैठा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए, सांडों ने तो पूरी फसल बर्बाद कर दी। सीमा की आवाज सुनकर प्रेमचंद्र भी घर से भागा भागा आया और खेत की स्थिति को देखकर सर पकड़कर बैठ गया। उसके अरमान टूटकर बिखर गए थे। हाय राम, अब क्या होगा? मेरी मेहनत बेकार हो गई। सीमा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। वह हारे हुए जुआरी की तरह खेत के एक तरफ घूमने लगा। उसकी नजर अपने खेत के मेड़ के पास पड़े हुए एक छोटे पौधे पर पड़ी। वह तरबूज का पौधा था। प्रेमचंद ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। ऐसा लगता है कि जब सांडों ने खेत की फसल को खाया और रोंदा होगा, तभी उनके पैर से लिपटकर ये पौधा बाहर आ गया। खरबूजे के साथ साथ एक तरबूज का पौधा भी पनप गया था। इसे हमें खेत में फिर से लगा देना चाहिए। एक तरबूज के पौधे को लगाने से क्या होगा? हमें आसपास जितने भी पौधे मिलेंगे, उन्हें फिर से खेत में लगा देंगे। इन्हें नया जीवन मिलेगा। इसके बाद हम कल से नए पौधे लगाएंगे। दोनों ने मिलकर आसपास के पड़े हुए कुछ पौधों को और उनके साथ साथ तरबूज के पौधों को खेत में लाकर फिर से मिट्टी में लगा दिया। वे एक दूसरे को धीरज बांधते हुए घर की तरफ लौट गए। दूसरे दिन सीमा सवेरे उठी और खेत की तरफ जाने की तैयारी की। अरे उस तरफ कहाँ जा रही हो? मन खट्टा हो जाएगा। अपना ही खेत है, सवेरे सवेरे मैं हमेशा उसके दर्शन करती हूँ, आज भी करूँगी। सीमा खेत के पास पहुँचते ही बहुत जोर से चौंक गई। हाय दया, ये क्या हो गया? तरबूज का पेड़ एक रात में इतना बड़ा हो गया। अरे रे रे रे, इसमें तो फूल भी निकल आए हैं। मुन्ना के बाबूजी जल्दी आइए, तरबूज के पेड़ का जादू देखिए। अरे कौन सा जादू दिखा रही हो? अरे ये तरबूज का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। देखो सीमा, फूल भी आ गए हैं। एक तरबूज के पौधे में इतना कमाल। अगली सुबह जब प्रेमचंद्र और सीमा ने तरबूज के पौधे को देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पौधा पूरे खेत में फैल चुका था और नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे तरबूज भी खेत की शोभा बढ़ा रहे थे। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। इसी तरह पूरा खेत बड़े बड़े तरबूजों से भर गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरबूज का पौधा इतना चमत्कार दिखाएगा। अरे बाप रे, ये तरबूज बड़े भी है और वजनी भी है। ये तो जैसे जादू हो गया है। चलो एक तरबूज को काट कर देखते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं इनका भगवान को भोग लगाऊंगी, इसके बाद आपको खिलाऊंगी। हाँ, ये तो तुमने बहुत सही बात कही। उस ऊपर वाले की कृपा से ही तो हमें ये मिला है। हम मुरली वाले के लिए तरबूज का भोग जरूर लगाएंगे। दोनों ने तरबूज का भोग भगवान को लगाया और इसके बाद उसका स्वाद चखा तो खुशी से मुस्कुराने लगे। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर मिश्री घोल दी गई हो। गांव का एक व्यक्ति सुग्गा वहां आ गया। अरे सुग्गा, इधर आओ, लो मेरा तरबूज खाओ। अरे भैया, मजा आई गवा। ऐसा लगी रहा है जैसे हम फल नहीं खा रहे हैं,
बल्कि मधु का स्वाद ले रहे हैं। हम बहुत खरबूजा और तरबूज खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। अपनी मंडी में कौनो व्यापारी इसका मोल नहीं दे पाएंगे। इसको हमें शहर की मंडी में बेचना होगा। दूसरे दिन प्रेमचंद्र ने एक बहुत बड़े ट्रक में सारे तरबूज लदवा दिए। उनके गांव का एक सूजा नाम का बदमाश यह सब देख रहा था। उसने अपने दो लुटेरों को प्रेमचंद्र की ट्रक के पीछे लगा दिया। प्रेमचंद्र भी ट्रक में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। दोनों लुटेरों ने चुपचाप मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। प्रेमचंद्र तरबूज से भरा ट्रक लेकर शहर की मंडी में पहुंच गए। उनके बड़े बड़े तरबूज देखकर व्यापारी बहुत खुश हुए। देखते ही देखते व्यापारियों ने उनके सारे तरबूज ऊंचे दाम पर खरीद लिए। प्रेमचंद्र ने एक तरबूज अपनी ट्रक में रखवा दिया। रुपयों से भरी हुई थैली प्रेमचंद्र ने जब अपने हाथों में ली तो खुशी से फूले नहीं समाए। अपनी जिंदगी में इतने रुपए उन्होंने पहले कभी नहीं कमाए थे। जब प्रेमचंद्र का ट्रक शहर के बाद जंगल से गुजर रहा था, तभी दोनों लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल आगे लगाकर खड़े हो गए। उनके हाथ में चाकू था। चलो नीचे उतरो और रुपए की थैली हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा ना, नीचे उतरो। उतर जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तुम लोग कौन हो? मुंह से बताए या अपने हाथ से? प्रेमचंद्र समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। सारी कमाई एक झटके में जाती हुई दिखाई पड़ी। वह डर कर नीचे उतर गया। एक लुटेरे ने उसके यहाँ से रुपयों की थैली छीन ली। प्रेमचंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से उसका दिल निकाल दिया गया हो। मुझे ट्रक का किराया देना है, कुछ रुपए लौटा दो भाई। ए, हमारे हाथ में आई हुई चीज हम कभी लौटाते नहीं। अब ट्रक लेकर भाग जाओ यहाँ से। प्रेमचंद्र बोझिल कदमों से ट्रक की तरफ दौड़ने लगा। इतने में उसे पीछे से धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो दो लुटेरे जमीन पर गिरकर छटपटा रहे थे। वह बहुत हैरान हो गया। मुझे बचाओ, अरे मत मारो, ये लो तुम्हारे रुपए, बचाओ। प्रेमचंद्र ने देखा कि तरबूज उड़ उड़कर उन दोनों को पीट रहा है। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तरबूज हवा में उड़कर दोनों को मार रहा था। दोनों लुटेरों का बहुत बुरा हाल हो गया था। प्रेमचंद्र ने अपने रुपयों की थैली वापस ले ली। दोनों लुटेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। प्रेमचंद्र ने तरबूज को इशारा किया और वह रुककर ट्रक में अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। दोनों लुटेरे उठ भी नहीं पा रहे थे। प्रेमचंद्र घर पर पहुंच गया और उसने रुपए से भरी हुई थैली सीमा के हाथों पर रख दी। सीमा बहुत खुश हो गई। दोनों तरबूज को पकड़कर खुशी से लिपट गए। बहुत साल पहले की बात है, एक राज्य था चंदापुर। वहाँ के राजा वीर प्रताप बहुत ही तेजस्वी राजा थे। वे सदैव अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे। वे अपने राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे। उनके राज्य में बहुत से लोग बीमार हो गए थे। प्रजा की बीमारी और उनकी कोई संतान ना होने के कारण वे बहुत दुखी हो जाते थे। राजा गरीबों और भूखों की हमेशा मदद करते थे। उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन राजा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक हिरण के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस शेर से बचाओ। अरे ये किसकी आवाज है? कोई मुसीबत में है लग रहा है। राजा उस आवाज की तरफ भागते हैं। राजा ने देखा एक शेर ने हिरण के बच्चे को अपने पंजे में पकड़ रखा है। बचाओ, बचाओ, राजा जी मुझे बचाओ। चिंता मत करो छोटे हिरण, मेरे रहते हुए ये शेर तुमको कुछ नहीं कर सकता। राजा अपनी तलवार लेकर उस शेर पर टूट पड़ते हैं। राजा तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ, यहाँ से लौट जाओ।
शेर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो इस हिरण को, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है और राजा शेर को मार देते हैं। तभी अचानक शेर का मृत शरीर गायब हो जाता है और हिरण एक साधु का रूप ले लेता है। अरे ये क्या चमत्कार है, आप कौन है महात्मा? हे राजन, मैं कणक ऋषि हूँ और मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आपके अच्छे कामों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो राजन? महात्मा जी, मुझे सर्वप्रथम अपनी प्रजा का सुख चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना है। यहाँ से 500 कोस दूर सोनपुर में एक घना जंगल है। वहाँ पर एक जादुई अमृत का पेड़ है। अगर उसका एक फल आप ले आ सके तो उससे अपनी प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि उसका एक छोटा भाग रानी को खिला दे तब आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु मेरी एक बात याद रखना राजा, वहाँ बहुत से खतरे हैं और वो अमरूद का फल सिर्फ अच्छी नीयत वालों को ही दिखता है। अमरूद लेने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अमरूद गायब हो जाएगा। राजा सोनपुर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे जैसे ही सोनपुर के जंगल में प्रवेश करते हैं वैसे ही बहुत सारे पेड़ देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतने सारे अमरूद के पेड़, हे भगवान, इनमें से जादुई अमरूद का पेड़ कौन सा है? राजा जादुई अमरूद पेड़ ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओह, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे ये क्या, पानी तो समाप्त होने वाला है और रात भी होने वाली है। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है। हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत सालों से प्यासा हूँ, इस जंगल में कोई आता नहीं, मुझे पानी पिला दो। राजा अपना सारा पानी उस पेड़ को पिला देते हैं और कुछ देर के बाद राजा स्वयं प्यास से तड़पने लगते हैं। तभी अचानक वो छोटा सा पेड़ बहुत खूबसूरत अमरूद का पेड़ बन जाता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी आती है और राजा पर पड़ती है, जिससे राजा की भूख, प्यास, थकान सब गायब हो जाती है। अरे ये क्या है, इतनी रोशनी और इतना खूबसूरत पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए देखकर राजा बहुत हैरान होता है। हे राजन, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। आप एक अमरूद ले जाइए, इससे प्रजा का कल्याण कीजिए और इसका एक बहुत छोटा सा भाग अपनी रानी को खिला दीजिएगा। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा अमरूद को लेकर उस जंगल से जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं उनके पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में पहुंचकर देखते हैं कि उनके राज्य में वह बीमारी बहुत अधिक फैल चुकी है, चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। मंत्रियों, क्या हो रहा है ये? राज्य में ये बीमारी तो भयंकर रूप लेती जा रही है। महाराज जी, ये अजीब तरह की बीमारी है, पूरा राज्य इसकी चपेट में आ गया है। तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बीमारी आज से 100 साल पहले आई थी, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। ये बहुत ही घातक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, एक दूसरे को छूने से होती है। कोई तो इलाज होगा वैद्य जी। एक इलाज है राजन। क्या है कृपया बताइए। जो जादुई अमरूद आप लाए हैं उसके बीज से एक दवा बनेगी, इसमें 2 महीना का समय लगेगा, इसी दवा से सबका उपचार होगा।
जब तक यह दवा बन नहीं जाती तब तक सबको घर में ही रहना होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे वैद्य जी ने कहा है वैसे सबको करना होगा, कोई भी 2 महीने तक घर से नहीं निकलेगा। राजा ने उस अमरूद को एक कमरे में रख दिया। तभी अचानक अमरूद से आवाज आती है, राजन राजन मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। अरे ये क्या, अमरूद इतना बड़ा कैसे हो गया? सैनिकों यहाँ आओ और इस अमरूद को बड़े से कमरे में ले जाओ। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर से आवाज आती है, राजन मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। मेरे पास इससे बड़ी जगह नहीं है। ठीक है आप मुझे खुली जगह पर रख दो। सैनिकों इस अमरूद को एक खुली जगह पर ले चलो। सुबह हो जाती है और राज्य कर्मचारी इतना बड़ा अमरूद देखकर हैरान हो जाते हैं। वैद्य जी अमरूद के बीज से 1 महीने की अवधि के अंदर दवा तैयार करते हैं। वह दवा सबसे पहले ट्रायल के तौर पर कुछ लोगों को पिलाई जाती है। इसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि यह दवाई प्राण घातक है। राजा को चिंता हो जाती है और वे स्वयं उस दवाई को पीकर यह साबित करते हैं कि यह दवाई सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। वही दवा फिर सभी को पिलाई जाती है और सब लोग ठीक होने लगते हैं। हमारे राजा बहुत दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं जंगल में जाकर इस जादुई अमरूद को लाया है। राजा की कृपा से ही आज हमारे राज्य के सभी लोग स्वस्थ हो गए। राजा ने उस जादुई अमरूद का एक छोटा सा भाग रानी को भी खिला दिया। रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अपनी प्रजा की खुशी देखकर पहले से ही खुश थे। पुत्र की प्राप्ति से उनकी खुशी में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सबकी भलाई करते हैं ईश्वर निश्चित रूप से उनकी भी भलाई करते हैं।